सरपंच सचिव पे ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप। कलेक्टरेट बलौदा बाजार व जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में किया था लिखित शिकायत, 5 माह बाद पहुंचे जांच अधिकारी। मामला बिलाईगढ़ ब्लॉक के रिकोटार ग्राम पंचायत का है, जहां के ग्रामीणों ने 4-5 माह पूर्व कलेक्टर बालौदा बाजार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलाईगढ़ के पास लिखित में शिकायत किया था, जिसमें सरपंच सचिव द्वारा डैम निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, स्कूल पुल निर्माण में भ्रष्टाचार व पंचायत में बैठक नहीं रखने व आय व्यय की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, वही हितग्राहियों को पेंशन भुगतान में विलम्ब के संबंध में शिकायत किया था। उक्त शिकायत पर जांच अधिकारी ग्राम पंचायत रिकोटार पहुंचे, जहां सरपंच नदारद रहे वही सचिव बिना रिकॉर्ड के पहुंचे। पंचों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी जांच अधिकारी जांच में आने की बात कहे थे, उस दिन सरपंच उपस्थित थे तो सचिव नहीं आया था। सरपंच सचिव द्वारा पंचायत में हुए कार्यों की व पंचायत बैठक की कोई जानकारी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि ना तो हम लोग को सरपंच पूछते हैं, ना तो सचिव पूछते हैं, कुछ भी काम खुलता है तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो जांच करने आए हैं वो अभी ऑन द स्पॉट पे क्या क्या जांच किया? कुछ नहीं हुआ है जांच। शिकायत लगभग हम लोग 4-5 महीने पहले किए हैं और ले देकर के तो आज जांच में आया है। तो यहाँ जो है सरपंच और सचिव के द्वारा पूरे कार्य को मनमाने ढंग से कर रहा है, ना किसी पंच को पूछ रहा है, ना किसी ग्रामीण को पूछा जा रहा है। जैसे कि 13-14 वित्त तक का जो राशि आती है मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहा है उसका, जिसमें चेक डैम निर्माण है, पुलिया निर्माण है, आंगनबाड़ी में फर्श निर्माण है और कई निर्माण है, जैसे कि नाली वगैरह है, उसमें मतलब धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है राशि का। यहाँ जो जांच करने आए हैं वो अधिकारी क्या जांच किया? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं किया है, बस केवल संबंधित शिकायत की सचिव और पांच लोगों से पूछताछ किया है और उसके सिवा कुछ नहीं किया। सरपंच उपस्थित था क्या? सरपंच अनुपस्थित था। इस पार्ट पे कुछ काम को देखने गए क्या, जो निर्माण काम? नहीं, 2-3 दिन पहले और जांच के लिए यह था, डेट दिया था, लेकिन उस दिन सचिव अब्सेंट था और आज के डेट में सरपंच अब्सेंट है। जांच अधिकारी ने बताया कि सचिव से बयान लिया गया है, सचिव को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने कहा गया था, लेकिन सचिव रिकॉर्ड नहीं लाने की बात कर रहा है, बगैर रिकॉर्ड देखे कुछ नहीं कहा जा सकता, वही बारिश होने के वजह से कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं किया जा सका। शिकायत प्राप्त हुई थी जांच के लिए। क्या क्या शिकायत प्राप्त हुई? पेंशन भुगतान के संबंध में निर्माण कार्य संबंधित है और पंचायत की बैठक से संबंधित है, आय व्यय की जानकारी नहीं दिया जाता है। जिन बिंदुओं पे शिकायत तो मिला था उस पे आपने जांच किया, जांच पे क्या पाया गया? जांच में अभी तो सचिव का बयान बस ले पाया हूँ और मैं सम पानी गिर रहे ऑन दिस पार्ट में नहीं जा पाया हूँ, और सचिव द्वारा रिकॉर्ड अपले की मैं तो मंगवाया था लेकिन अभी प्रस्तुत नहीं किया है, तो क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बता पाऊँगा मैं उसमें, और जो लिखा है वो सही के गलत रिकॉर्ड के आधार पे ही मैं बता पाऊँगा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कहाँ तक सत्य है। सर, ये शिकायत लगभग आपको जांच के लिए कब नियुक्त किया गया था? मेरे को लगभग 1 माह हो रहा है। ग्रामीण वाले बता रहे हैं कि 4 माह पहले, लगभग 4 माह पहले शिकायत किया गया था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। वही सचिव ने पंचायत में पेंशन भुगतान, मूलभूत की राशि, 14वें वित्त की राशि व आंगनबाड़ी भवन के संबंध में शिकायत की जानकारी होने की बात कही। मेरे जानकारी के अंतर्गत में पेंशन और मूलभूत 14वें और आंगनबाड़ी इसके शिकायत की है। उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से ग्रामीणों ने आरोप लगाया है आपके खिलाफ? ये मैं लिखित में जो भी है मैं दिया हूँ। नहीं, मैं सभी ग्रामीणों से व्यवहार कुशल पूर्वक रहना चाहता हूँ मैं और दे भी रहा हूँ मैं। हमारे सब पंच मिलकर के जानकारी के लिए शिकायत कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले, काम आते थे नहीं बताए सरपंच सचिव, ना मीटिंग ले, 5-6 महीने हो गए तो मीटिंगे नहीं ले, और जो भी हम शिकायत कर रहे हैं सब मिल कर रहे हैं, सबके सहयोग सब पंच, और जो है अभी पुल के बारे में लगा रहे हैं जानकारी के लिए, डैम के लिए लगा रहे हैं और ऐसे, और मूलभूत के लिए
14वीं वित्तीय के लिए लगा रहे हैं, जो कि हिसाब हमला पूर्ण रूप से अभी तक नहीं मिल पाए। अभी जो जांच करे वाले अधिकारी आए हैं, उमन की तरफ से का जांच करी से? जांच तो आए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं ला है। किसी प्रकार की कुछ निरीक्षण करने गए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं गए। और सरपंच की अनुपस्थिति भी है, सचिव है तो सरपंच की अनुपस्थिति है, रिकॉर्ड नहीं लाए हैं। सचिव आ गए तो हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं लाए। जांच अधिकारी, अभी आप लोगों के पास क्या क्या लिया? कुछ लिखित में लिए? ये तो नहीं लिए हैं। सचिव से लिए? सचिव से तो क्या क्या लिखा है उसको तो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सचिव रिकॉर्ड नहीं लाने की बात कर रहा है, जबकि पंचायत का रिकॉर्ड तो ग्राम पंचायत में रहता है। सचिव द्वारा पंचायत का रिकॉर्ड घर में रखना भ्रष्टाचार में लिप्तता को दर्शाता है। वही हम बता दें कि ग्राम पंचायत रिकोटार बिलाईगढ़ ब्लॉक का पहला पंचायत है, जहां पंच सरपंच निर्विरोध चुने गए थे। यहां के ग्रामीणों ने निर्वाचन प्रक्रिया में शासन का सहयोग कर एक मिसाल पेश किया था, लेकिन इसी पंचायत के ग्रामीणों के शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होना समझ से परे है।